हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। सर, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम जिसके बाद मैं इस तरह का कोई वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है। कल का डेट याद रख लीजिए, 20 सितंबर। आपको अगर री रजिस्ट्रेशन कराना है तो कल का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से पहले आपको अपना सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में, आप अगर बी कॉम में है तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर अगर आप एम कॉम में है तो सेकेंड ईयर, आपका एडमिशन सेकेंड ईयर में आपको करा लेना है एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज इफ यू मिस टुमारोज डेट योर कोर्स विल बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 मंथ्स। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनका एक साल कंप्लीट हो जाने के बाद भी वो अपने रिजल्ट का वेट करते हैं या एग्जाम का वेट करते हैं कि जो है रिजल्ट वगैरह आ जाएंगे उसके बाद में जो है सेकेंड ईयर में एडमिशन कराऊंगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। आप एग्जाम दो ना दो, आपके रिजल्ट आए ना आए, आपको सेकेंड ईयर में अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपका जो कोर्स है वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। सपोज लास्ट ईयर आपने जुलाई 2022 में आपने अपना एडमिशन कराया, तो जुलाई 2023 में आपके एक साल पूरे हो गया। एग्जाम अगस्त में हुए, जुलाई अगस्त में हुए, तो आप अगर अभी सितंबर तक, सितंबर में भी देखो ये लास्ट डेट है 20 तारीख का, अभी भी इग्नू एक्सटेंड कर रही है। कई लोग इग्नू को बोलते हैं कि सर ये जो है सही नहीं है, काफी लंबा इनका प्रोसेस रहता है। तो भाई ये फायदे भी हैं कि जिन लोग मिस हो जाते हैं ना वो लोग अभी तक भी कर सकते हैं। हालांकि ये तो खत्म हो जाना चाहिए था, जुलाई अगस्त में ही री रजिस्ट्रेशन को बंद कर देना चाहिए था। सपोज अगर वो बंद हो जाता या कल जब ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा, आप अगली बार जब री रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वो दिसंबर का महीना होगा, आप उससे पहले नहीं करा सकते। तो दिसंबर में आप करा रहे हैं तो आपका जो कोर्स है वो 6 महीने के लिए बढ़ गया। सो ये गलती नहीं करनी है। अगर आप अगर आपके एक साल पूरे हो चुके हैं आपके कोर्स के, तो अगले साल में आपको एडमिशन जो है करा लेना है, और कल जो है इसकी लास्ट है। ठीक है, वो भी लेट फी के साथ 200 रुपए। ठीक है ना? तो ये लेट फी के साथ हो रहा है, पहले तो फ्री में हो रहा था। फ्री में मतलब जो अमाउंट जो कोर्स का लगता है वही लगता है, लेकिन अभी 200 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जो है फी पे करना है। लेकिन इस फी के बदले आपके 6 महीने बच जाएंगे, विच इज ग्रेट आई थिंक। ठीक है, सो आप कर लीजिए इसको। थैंक यू सो मच। कोई और अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 8101065300। एंड यस, वी हैव द नोट्स अवेलेबल फॉर ऑल द कोर्सेज, बीकॉम, एमकॉम, एमए, एमए इन हिस्ट्री, पॉल साइंस, है ना, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। इफ यू वांट टू बाय यू कैन, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर कोर्स और यू नो आपके कोर्स कैसे चल रहा है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई भी प्रॉब्लम आपको है आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, विच इज 8101065300। नंबर विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।